देशभक्ति क्या है, तिरंगे की महत्वता क्या है, ये आज हम एक रियल हीरो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी से जानेंगे। और इस वक्त तो हमारे साथ ही मौजूद हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। -40 डिग्री में खड़े होकर के देख करके आ जाना, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि तिरंगे का मान क्या होता है, क्योंकि माँ एक राष्ट्र का निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और हर एक वर्ग जब अपने हाथ में तिरंगा लेता है तो वो राष्ट्र का सम्मान और अभिमान लेता है। सैनिकों के प्राण बसे होते हैं उस तिरंगे के अंदर, और जब अपने वो कर्तव्य पथ को पार करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले न जाने कितनी कुर्बानियों को वो देख पाता है, लहू की बूंदों को इस राष्ट्र को अर्पित किया है, भारत माँ को समर्पित किया है जे। तो जब हम आजादी का जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि वो उस तिरंगे के लिए जो तीन रंग का है, मैं देशवासियों के लिए भी कह रहा हूँ, जो आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको खरीदने की भी आवश्यकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय कहीं एक जगह नहीं ठहरता। जब आप अपने आप से लड़ने में सक्षम नहीं हो तो आप दुनिया में लड़ने के लिए सक्षम हो। बिल्कुल, क्योंकि माँ एक राष्ट्र का निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिल्कुल। हमारे देश ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब आक्रमण हुआ हमारे ऊपर तो उसका बखूबी जवाब दे दिया। बिल्कुल। चिट्ठी जब हम आंखों से पढ़ते तो सीधा हृदय में जाती है, और जब हम फोन को कान से सुनते हैं तो इसे माइंड पर अटैक करता है। जिस समय जब वो तिरंगा को लहराता हुआ देखता है तो वो हवा से नहीं लहरा रहा, वो सैनिकों के लहू और सांसों से लहरा रहा। बिल्कुल। दिनकर जी ने बहुत अच्छी लाइन कही, दोनों से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार।